अच्छा, अब्बास भाई जुड़ चुके हैं। अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हेलो टू ऑल द फ्रेंड्स। मैं मुसलमान हूँ और अभी एक सिस्टर ने आके छोटी सी बात की, मैं थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि औरतों के लिए क्या होगा जन्नत में, तो उनको सिर्फ कुरान को पढ़ना चाहिए। कुरान की आयत एक बता रही है, सॉरी जरा मैं आपको कोट करता हूँ। कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वट एवर दे डिज़ायर दे विल हैव, वट एवर दे डिज़ायर विद देयर लॉर्ड, दैट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द डूअर्स ऑफ गुड। ये है सूरा नंबर, सॉरी मुझे भूल गए, ए चैप्टर, लेट मी जस्ट गिव यू वन सेकेंड, चैप्टर 52 एंड वर्स 22 कह रहा है, एंड वी विल प्रोवाइड विद देम फ्रूट एंड मीट एंड वट एवर दे डिज़ायर। बेसिकली अल्लाह सुबहाना तआला कह रहे हैं कि जो जन्नत में लोग होंगे उनको जो भी डिज़ायर होगी दे विल हैव इट। तो अगर मेरी बहन ये कह रही है, अगर ये मुसलमान हो और ये जन्नत में जाए, तो वट एवर शी डिज़ायर, सिंपल इज दैट। If she desire 100 husband, she will have 100 husband. Would she desire 100 husband? It's up to her. तो इसलिए अल्लाह ताला ने साफ साफ वादा कर दिया कि whatever they desire. दूसरी बात, मैं जो इमाम साहब हैं, आपका बड़ा माशाल्लाह नॉलेज है, मैंने सुना आपको, लेकिन आपका नॉलेज ऐसा है कि सर, जैसे पर कहीं हाफ लिखा क्यों नहीं कि उसको इतने हस्बैंड मिलेंगे किसी हदीस में? वो तो हमेशा सिर्फ अपने किसी नहीं, मौलवी ने आज तक की बात करी क्यों नहीं? ये कुरान की बात मैं आपको बता रहा हूँ जो अल्लाह कह रहा है। आप मौलवी की सुन रहे हैं, मैं अल्लाह की सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला कह रहा है वट एवर दे डिजायर, ठीक है, उसका वट एवर का मतलब आपको मालूम है ना, कुछ भी। तो मौलवी आपको कुछ भी बात कहे तो आप मौलवी को फॉलो करेंगे, कुरान की आयत मगर फॉलो वॉट एवर करेंगे? है ही नहीं ना हदीसों में भी। वॉट एवर कहाँ मिल रहा है कि नहीं, कुरान उनको में कहाँ मिल मेरे रहा है भाई, किस हदीस में कि एक मेरे औरत जो भाई एक उसका हस्बैंड जो मेरे एक दिन उसे 100 आदमी के साथ सोहबत करता देखेगा? मेरे भाई आप अपना ज़हन उस तरफ लेके जा रहे हैं, मेरी बात सुने। अल्लाह ताला कह रहा है वट एवर यू डिजायर, कोई लिमिट नहीं कर रहा आपके लिए। अल्लाह इज नॉट लिमिटिंग यू, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर एक अच्छा अच्छी औरत अब्बास है, भाई, अब्बास भाई, अगर जी अगर एक फीमेल ये डिजायर करती है कि मुझे अल्लाह के साथ ही सेक्स करना है, क्या ये डिजायर भी पूरी होगी? आई कैन आंसर यू दैट इंशाल्लाह ताला। अब आपने मुझे इस भी चीज नहीं। को, आई विल आंसर यू, आई विल आंसर यू। आपकी जो सोच जिधर गई है, मेरी सोच मतलब वो एक आपने गई। औरत के मल्टीपल मियां होंगे और उसके मियां की मल्टीपल बीवियां होंगी, नहीं, ये कह रहे हैं आप? ये ये नहीं, जन्नत आप है ये तो कह रहे हो, नहीं, आपने एक भी मिनट यही एक तो मिनट कहा है एक ना मिनट लेट हिम आंसर। मेरी बात एक सुने, दो मैंने ये सवाल नहीं जुड़ कहा, गए, मैंने दो ये सवाल जुड़ कहा गए। है इफ, मैंने ये कहा है इफ शी डिजायर। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आई वॉन्ट यू टू ट्रेवल विद मी इन दिस लिटिल जर्नी, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि वो ये है, आप मरे हैं, आप कब्र में गए हैं, आप कयामत के दिन उठे हैं, 50,000 साल का साल आपने कयामत देखी है, नजारा देखा, लोग दोजख में फेंके जा रहे हैं आपके सामने, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या होना है, और ये सारा माजरा आपने देखा है, उसके बाद आपको खुशखबरी दी गई कि आप जन्नत में गए हैं, देन यू आर अ पर्सन टोटली क्लेंस पर्सन, यू आर लाइक अ सेंट, बिकॉज आपको जो जो मरहलात में से आप गुजर के आए यार हैं, मर्द, आप एक वन मिनट सेकेंड अब्बास वन भाई, सेकेंड, मैंने अब्बास कहा भाई, मेरी फिर मेरी एक मिनट, मेरे यू यू हैव टू ट्रेवल यू है आपकी बात पे जी मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। मैं समझ गया कि वो सोच औरत को नहीं आएगी या फीमेल को नहीं आएगी थैंक जब यू वेरी मच, मर्द आपकी को। सोच प्योर हो तो जाएगी फिर जन्नत बचा में क्या? ऊपर आके। यार वाला चाह ही सुनो ना नहीं रहा, यार, यानी ऊपर वाला उसके सुनो डिजायर्स को सुनो, कंट्रोल कर रहा है। नो ऐसा सोच सिर्फ मर्द को आएगा, औरत को नहीं हाँ आएगा। एग्जैक्टली हम लोग का हाँ, नीड किसने नहीं कहा है, पार्टनर्स, हम किसने लोग कहा का आपको डिजायर ये, नहीं है नहीं यार नहीं आपको जन्नत। किसने नहीं कहा आप ये अभी मर्द बोले, का औरत का? नहीं तंजिला नहीं एक मिनट, नहीं 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 तंजिला एक मिनट, एक तंजिला मैं सेकंड आपको एक मौका सेकंड दे रहा हूँ, एक मिनट दीजिए अब्बास भाई। एक वहां पे भी जन्नत में भी ये चीज आपने ला दी कि सिर्फ मर्द जो है मल्टीपल पार्टनर्स का डिजायर कर सकता है, लेकिन फीमेल जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स के डिजायर नहीं कर सकती। नहीं यार नहीं क्या मैंने सोच ये है आप? मैंने ये नहीं कहा। देखिए, अगर आपके पास दो हाँ कंपेनियन हो तो उसमें क्या बुराई है? इफ यू हैव टू कंपेनियंस, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इज देयर हाँ समथिंग तो रॉन्ग अगर विद दैट? फीमेल, एक मिनट, अगर फीमेल जो है, वही मैं कह रहा हूं ना, अगर फीमेल जो है जैसा कि इमाम साहब ने और तंजीला ने कहा, अगर वो चाहे कि मुझे 10 मर्द वहां चाहिए, उसकी डिजायर आपने कहा जो भी डिजायर करती है वो उसको मिलेगा, तो क्या उसको 10 मर्द मिलेंगे? इफ यू आर सो प्योरिफाइड पर्सन, वुड यू डिजायर 10 हस्बैंड्स एज अ वुमन? वुड हाँ यू? ठीक है, वुड यू? चाहिए जब, ठीक अरे है, यार जब ठीक है, एक एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, जब एक मर्द अगर डिजायर कर सकता है मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स का, तो फीमेल पार्टनर्स क्यों नहीं डिजायर कर सकती है? अच्छा देखिए यही ये, सबसे बड़ा मसला है आपका अच्छा मर्द के अब्बास भाई। मर्द मर्द के कितने पार्टनर्स हैं जन्नत में? कितने आप बताइए? नहीं आप बताए ना, आप आई नहीं क्लेम कर रहे हैं, आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी अच्छा पार्टनर्स अ मैन हैज। कितने हैं? सिर्फ एक है?
आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप एक क्लेम कर रहे हैं कि मर्द के मर्द अगर डिजायर कर सकता मल्टीपल, आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी पार्टनर्स मर्द हैज इन द जन्नत। नहीं मुझे नहीं आइडिया है, आप बताइए। तो फिर आपने क्लेम क्यों किया ऐसा कि मर्द कर मैंने सकता कहा तो औरत क्यों नहीं कर सकती? आपने अच्छा तो कहना है कि नहीं है मर्द कर क्या? सकता है, जैसे आप अच्छा ऐसे कह रहे मेरा हैं तो आपको मेरी पता जो है। 1 मिनट अब्बास भाई, मेरी ये जो बात है क्या वो गलत है? अगर मैं मल्टीपल पार्टनर डिजायर कर रहा हूँ मर्द एज अ मर्द मैं जन्नत में चले जाऊं, और अगर मैं, आपने कहा कि आपकी डिजायर के ऊपर है, ठीक है, अगर मैं जी मल्टीपल हूर डिजायर करता हूँ 132 फीट की, ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगी? जैसे कि आलिम बताते हैं आपके उस हिसाब से, ठीक है, अगर कुरान में 132 नहीं लिखा गया है तो थोड़े देर के लिए मैं वो इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन नहीं ये नहीं क्यों बताइए कि इग्नोर कर रहे अगर हैं आप? मैं, थाउजेंड सुने फीट की सुने हूर ले सकते हैं, अगर आपकी डिजायर यार सुन थाउजेंड ले फीट की है यार, तो उसमें कद से क्या फर्क पड़ता अब्बास भाई सुन ले, है? अगर मैं डिजायर कर रहा हूँ मल्टीपल हूर्स की, ठीक है, जी पार्टनर्स की, क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? इफ यू आर अ प्योरिफाइड पर्सन वुड यू डिजायर, दैट्स आई एम अरे आस्किंग यू यार फर्स्ट मैं क्वेश्चन। बहुत प्यूरिफाइड पर्सन हूँ, फिर भी मुझे चाहत है मल्टीपल पार्टनर्स जब की, क्या प्योरिफाइड मर्द मुझे डिजायर कर एक सकता मिनट है तो मेरी औरत इमाम साहब, प्योरिफाइड औरत क्यों नहीं डिजायर कर नहीं सकती? एक मिनट उत्तर इमाम साहब, एक रुकिए, मिनट, दो नहीं रुकिए मैंने इमाम मैंने साहब मैंने रुकिए। मैंने मैंने यही अच्छा सवाल एक दोनों मिनट के मतलब किया है, प्योरिफाइड यार, मर्द एक और मिनट प्योरिफाइड औरत यार दोनों के लिए अब्बास किया है। भाई, वुड यू, इफ यू आपके डू यू यार विल हैव इट। अब्बास भाई एक मिनट, एक मिनट। हाँ तो जी ये मतलब बोलो अगर वो ना डिजायर करे तो उसे औरत को भी 100 सीख कबाब मिल सकते हैं। अगर वो डिजायर करे, अगर वो डिजायर करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जन्नती औरत डिजायर करे कि मैं 100 मर्दों के साथ सोऊं, इट इज नॉट तो पॉसिबल, मिलेगी इट्स नॉट पॉसिबल तो ना, ये देखो यही मसला हो गया सर। ना अगर अरे जा वो चले गए, डिस्कनेक्ट, देखो यही मसला हो जाता है हमारे मोमिन भाइयों के लिए परेशानी, कि जिस तरीके से आप कोशिश करोगे डिफेंड करने की आप फंसोगे। यार क्यों नहीं कर सकती है डिजायर फीमेल, कर सकती है क्यों भाई, नहीं कर फीमेल कर सकती सकती है? जब कर सकती मोहम्मद साहब कर कर सकते सकती हैं, है कर जब सकती है मोहम्मद साहब मल्टीपल फीमेल के साथ शादी कर सकते हैं, उनके साथ सेक्स कर सकते हैं, तो आपके लॉजिक के हिसाब से तो फिर मोहम्मद साहब भी एक प्यूरिफाइड इंसान नहीं है, उनको भी बिल्कुल सिर्फ नहीं एक ही है। पार्टनर रखना चाहिए था, सही बोले आप। है ना? अच्छा अगर कोई डिजायर प्यूरिफाइड पर्सन, अगर वो मैं जन्नत में चला गया, ठीक है, मैं डिजायर करता हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ठीक है मैं डिजायर करता हूँ, मुझे मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, तो उसी तरीके से क्या फीमेल डिजायर नहीं कर सकती? अब आप ये शर्त लगा दे रहे हैं कि प्यूरिफाइड पर्सन जो है डिजायर नहीं करेगा, तो ये कौन तय करेगा कि प्यूरिफाइड पर्सन वो इस तरीके की उसकी सोच नहीं होगी जन्नत में? तो जन्नत काम ये किसकी, कुरान से वहां फ्री बता विल दे। नहीं है, जन्नत में फ्री विल नहीं है। क्या वहां भी फ्री विल नहीं है? चलो मैं अब्बास भाई को ले लेता हूँ, ठीक है अब्बास भाई ये जवाब पता दीजिए, नहीं क्या हुआ था, ड्रॉप हो गया था। कोई मुश्किल नहीं। आपको मैं एक आसान एग्जांपल से समझाऊंगा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके साथ। समझिए, फर्ज करें आपका एक घर है, बड़ा खूबसूरत घर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीजें भी हैं। यार अब्बास भाई लेट मी वीडियो मेक माई के, सेल्फ एक क्लियर। मिनट एक सी आप पूछ क्यों रहा बीच में हूँ, इंटरप्ट एक करते हैं पूछ यार? रहा हूँ। अच्छा ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? कैन यू हियर मैं मी? बोल रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? बैकग्राउंड में पता नहीं आप कुछ बना रहे हैं। तो आप लोग जलेबी बना रहे हैं। हम बना रहे तो कम से कम आप भी मत बनाओ ना यार, जो सवाल है उसका मैं जवाब आपके दो साथ आप। ज्वाइन कर गया हूँ ना, अब मैं आपकी जलेबी खाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे चलो अगर बात औरत करने देना, डिजायर करती है तो पता कैसे चलेगा एक साथ 100 आदमियों ने मुझे उसके साथ सोहबत करनी, मुझे बच्चा मुझे किसके? ठीक मुझे मुझे बात करने देना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरे भाई ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। आपका बड़ा प्यारा घर है, सब कुछ है उसके अंदर, बड़ी बड़ी महंगी हीरे जवाहरात चीजें हैं। अब आप एक इंसान को जानते हैं, ही इज अ सेंट और शी इज अ सेंट, टोटली होली पर्सन। आप उसको कहते हैं कम टू माय हाउस एंड टेक व्हाट एवर यू वांट, टेक व्हाट एवर यू डिजायर। आप जानते हैं कि वो एक ऐसा इंसान है कि वो गलत चीज, वो लालच नहीं करेगा, आपकी बीवी को नहीं आपसे छीन लेगा, आपके बच्चों को नहीं आपसे छीन लेगा, क्योंकि यू नो दैट पर्सन इज अ प्योरिफाइड पर्सन। By knowing that our Lord, उसको पता है फ्यूचर में क्या है, तो he say whatever you desire। लेकिन उसको मालूम है कि हम कितने प्योरीफाइड लोग होंगे कि हम ऐसी गलत डिजायर नहीं करेंगे, हम ही नहीं डिजायर करेंगे होमोसेक्सुअलिटी करें या अल्लाह से सेक्स करें, ऐसी चीजें करें, बिकॉज ही नोज वॉट वी विल बिकम वेन वी गो टू पैराडाइज। दिस तो इज ये वॉट आई एम डिजायर ट्राइंग, रहा ही दिस कैसे इज फिर? ऑन। तो एक मिनट, तो सर आप बोलने मांग रहे कि अगर कोई प्योरिफाइड मर्द या औरत होता है तो फिर वो मल्टीपल पार्टनर्स नहीं डिजायर करेंगे? इन जन्नत, नॉट इन द वर्ल्ड, इन जन्नत। ये हार्ड है, ये क्योंकि अगर अच्छा मल्टीपल, अच्छा
यार एक मिनट अब्बास भाई, अब सुन लो, इनको अच्छी तरीके से पता है कि इन जन्नत अगर मैं नहीं कहूंगा तो ये दुनिया में सबसे पहली जो इनका जो तीर है वो मोहम्मद साहब पे चलेगा। नहीं नहीं, मोहम्मद साहब पे क्यों चलेगा? मोहम्मद साहब पे क्यों चलेगा? दाऊद की 300 बीवियां थी, सुलेमान की 1000 बीवियां थी। बहुत अच्छा बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई डोंट केयर, मोहम्मद की थी कि नहीं? हाँ उनकी थी, बिल्कुल थी उनकी बीवियां। हाँ तो आपकी बात के हिसाब से प्यूरिफाइड नहीं है वो? नहीं नहीं, वो दुनिया के हिसाब से हम बात करें, हम जन्नत, मैं जन्नत की बात कर रहा हूँ, मैं जन्नत की बात कर रहा हूँ। ये शर्त आप बता देना, आपने जो ये क्राइटेरिया लगाया है ना, बात, कि बात मेरी सुने ना, एक मिनट रुको यार, मैं सिस्टर का जवाब दे रहा था कि वो जैसी डिजायर करेंगी, अगर उनकी डिजायर एक मैंने म्यूट किया, सवाल जो है उस पर आप जवाब दीजिए प्लीज। आपने जो एक कैद लगाई है कि दुनिया में अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो ठीक है, वहां कोई मसला नहीं, लेकिन जन्नत में अगर होगा, मतलब एक इंसान जाएगा तो वो प्यूरिफाइड तभी कहलाएगा जब वो मल्टीपल पार्टनर डिजाइन नहीं करेगा। इसकी दलील आप कुरान से दे दे, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, इसकी दलील दे दे भाई प्लीज। नहीं, जो आप जो शर्त एक बना रहे हैं ना, मुझे एक बॉक्स में डाल, मैंने आप लगाए शर्त, यू आर प्रीटिंग, आप जन्नत में जाके आपकी सारी सेक्सुअल डिजायर होगी तो ये नहीं पॉसिबल होगा कि आप सिर्फ सेक्स के लिए वहां पे जाएंगे। हाँ, इट्स पॉसिबल कि यू माइट डिजायर 10 कंपेनियंस इन पैराडाइज, इट्स पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल कि आपको एक कंपेनियन भी नहीं आपको चाहिए होगा। लेकिन मेरी सिस्टर ने जो सवाल किया था हमारी औरतों के लिए, क्या पॉसिबल है ना, मैंने कहा था व्हाट एवर यू डिजायर। तो भाई अभी आपने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, पॉसिबल है ना कि वहां जाके डिजायर नहीं, मैंने स्टैंड चेंज नहीं किया, आपने मेरी बात समझी नहीं। एक मिनट अब्बास भाई, मुझे एक बात बताओ, मुझे जन्नत में जाके सिर्फ और सिर्फ सेक्सी 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 करना है, क्या ये मेरी डिजायर पूरी होगी? ये अगर ये आपकी डिजायर है, ये एक जन्नती की डिजायर नहीं हो सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये शर्त, अच्छा ये एक मिनट, ये क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि हम प्यूरिफाइड लोग होंगे। यार रुको ना यार, प्लीज ना, वहाँ पे कोई लस्ट होगा मेरे भाई, ना वहाँ पे कोई हेट होगा। सेक्स रखा क्यों, हुरे रखी क्यों? लस्ट नहीं है तो सेक्स क्यों रखा है, क्यों रखा? हाँ मेरी बात सुन लो मेरे भाई, लूडो या कैरम खेलेंगे हम जाके? ओके, आपने जो ये शर्त अभी लगाई है कि वहां पे जो जाएगा उसकी ये डिजायर होगी नहीं, इसकी दलील कुरान से दे दे। आपको कैसा, क्या वही आई है जो आपकी बात हम माने? आपने एक चीज क्लेम किया है, उसका उसकी दलील आप दे दे प्लीज, मेहरबानी होगी अब्बास भाई। नहीं मैंने, आप फिर से सवाल करें, मैंने क्या कहा था कि क्या आपने नहीं होगा? अभी ये कहा कि जो जन्नती होगा उसको ये डिजायर आएगी ही नहीं। मैंने कहा उसको मैंने कहा वो जो जन्नत में जाएगा वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसको ये यार नहीं, आप वो दो सेक्स इज अ लस्ट। सुनो यार, अभी इस तरह के जो 10-15 लोगों के साथ जो सेक्स है, दिस इज अ लस्ट, दिस इज नॉट लस्ट। मोहम्मद साहब क्या किए फिर? नहीं नहीं, 10-11 बीवियों के साथ जो सेक्स किए, वहाँ वहां पे जन्नत में जाके वहां पे और सारी इतनी ये शर्त आप बता, ये जो आपने कैद जो लगा रहे हो ना, जो डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसकी हम दलील मांग रहे हैं आपसे कि अगर दुनिया में है तो वो सेक्स लस्ट नहीं है मल्टीपल पार्टनर के साथ, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तब ये लस्ट है, ये इसकी दलील कुरान से दे दे, मसला खत्म। रसूल पाक दुनिया में नबियों को भी लस्ट होती है, ये दिखा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की थी, बहुत डिफरेंट पहलुओं से शादियां की थी। एक बीवी थी उनकी 25 साल, था कि नहीं किया 25 साल, 25 साल तक उनकी एक बीवी थी, पूरी जवानी में उन्होंने एक बीवी रखी 25 साल। अगर वो अच्छा, ये पैसा चाहिए, ये आपको किसने कहा कि उनको पैसा चाहिए था? ये कहां से सीखा आपने पैसा चाहिए था? नहीं नहीं, मैं टॉपिक नहीं चेंज कर रहा, आपने उनकी बीवियों की बात की है तो मैंने कहा पर आओ यार तुम भाई अभी। हाँ जी, आप बताए ना, आप लोग अभी ये बात कर रहे थे, ये कितनी हुए हैं जन्नत में, जलेबी की तरह घूम जाएगी बात, अभी उधर आ जाए। नहीं नहीं, जलेबी की तरह नहीं घूम रही, मैं बात इसी की कर रहा हूं। आप लोग कह रहे थे बुखारी में 268 और 284 पे कि मोहम्मद ने एक साथ 11 बीवियों के साथ सोहबत करी, उनके अंदर 30 मर्दों जितनी ताकत थी, 30 मर्दों की ताकत। हाँ, 30 मर्दों की ताकत क्यों दिया भाई? अच्छा मुझे बताएं, अगर 30 मर्दों की ताकत, अच्छा मुझे बात बताएं, ये पहले इस बात पे आता हूँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सबकी जो गलत फहमी है ना, बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, और इस्लामोफोब्स यूज करते हैं कि मर्दों के लिए 72 हूरें होंगी जन्नत में।
मैं आप सबसे वन सेकंड यार जब एक मुसलमान कोई आता है जिसको कुछ पता नहीं होता, आप उसको बोलने देते हैं, कोई आपका जवाब देना चाहता है बीच में काट देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ऐतराज पे जवाब देना आप जो नहीं नहीं बात मेरी बात कंप्लीट होने दें मेरे भाई, ऐतराज किया जरा आप उस पे जवाब दे यार, इतना वक्त नहीं है हमारे पास 100 चीजें एक साथ डिस्कस करने, जब भी जो टॉपिक होगा आप उस पे डिस्कस करें। अभी जो आपने ये बात छेड़ी है इस पे पहले क्लियर कर ले, उसके बाद आप टॉपिक चेंज करना, ठीक है? मेहरबानी होगी आपसे कि आपने जो ये क्राइटेरिया लगाया था कि अगर दुनिया में कोई मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो वो लस्ट नहीं है, लेकिन जन्नत में इसको लस्ट कहलाएगा, ये लस्ट कहलाएगा और ऐसा ऐसा लस्ट आपके अंदर नहीं होगा, तो ये इसकी दलील कुरान से दे दे, अगर है तो हाँ बोले, नहीं है तो बोले कि नहीं है कुरान में ऐसी दलील, मैंने अपने पास से कही ये बात। इतना क्लियर कर दे भाई, क्योंकि हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, ठीक है? परितोष जी ने 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। जब जन्नत जाने के वक्त कोई आदमी बुरे ख्यालों से दूर हो जाएगा तो अल्लाह उसे हूरों के ख्वाब क्यों दिखा रहा है? अल्लाह भी दिखा रहा है और मौलवी भी दिखा रहे। मैं आपके सवाल का जवाब इस बात से देना चाहता हूँ कि हमें ना कुरान में ना सही हदीस में ऐसा मिलता है कि हमारे बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे जन्नत में। There is no verse of the Quran, neither sahih hadith. यार हदीस 3327 और त्रिमिजी की 1663 है कि 72 हूर मिलेंगी जन्नत में आदमी को अगर शहीद होता है तो। 72 और 3327 ये बुखारी की हदीस है। 3327 अच्छा ठीक है, अभी मैं देख लेते हैं। देख लो। अच्छा, और वो जन्नत में जो इसको शहीद को 72 हूरे मिलने वाली है, अब वो लस्ट नहीं है क्या? वो लस्ट नहीं है क्या? वहां उसने इतनी हुरों का करेगा क्या? उनको देखेगा बस, सर लूडो खेलेगा। कहां तक बचाओगे अब्बास भाई? ये बेचारे को शायद वाइग्रा नहीं मिलेगी तो कुछ कर नहीं पाएगा, लस्ट नहीं होगी उसमें। और दूसरा, मोहम्मद साहब को 30 मर्दों की ताकत क्यों दी गई थी, ये भी एक सवाल है। अभी हदीस स्क्रीन पे लगाएं, मुझे कोई हदीस नहीं मिली है, जो आपने नंबर दिया उसमें कुछ नहीं है 72 हुरों का। एक ये देखो, ये उन्होंने बुखारी की दी थी हदीस, तो तिर्मिजी की नहीं मानोगे? ये तो हसन सही है, सही नहीं है। हसन सही है तो हसन सही, हसन सही सही नहीं होती है, काबिले कबूल नहीं होती हसन हदीस। ये सही हदीस नहीं है, सही, ये क्वेश्चनेबल है। देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इज हसन सही। किसने? अच्छा, ये कहां से लाए आप? एक मिनट, आपने कहां से लाए कि हसन सही हदीस जो है वो काबिले कबूल नहीं है? मैं आपको बताना, जो स्कॉलर्स रहे हैं हदीस के, पुराने क्लासिकल स्कॉलर्स, उन्होंने रूलिंग बनाई है हदीस के ऊपर, ठीक है? बताएं रेफरेंस से। मैं आपको रेफरेंस देता हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, रेफरेंस दे। हसन यानी हसन सही हदीस आपके नजदीक काबिले कबूल नहीं है? एक तो इब्ने सला की जो किताब है मुकदमा, उसके अंदर उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको इब्ने सला कभी के है, कभी के इब्ने सला? इब्ने सला तकरीबन 700 साल पुराने हैं, ये स्कॉलर, ये हदीस के बड़े तरीन स्कॉलरों में से एक हैं। इनकी किताबों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, सुयुती वगैरह ने इनकी किताबों के ऊपर आके अमल करके और हदीस को उसके ऊपर साइंस हदीस की बनाई है इनकी किताबों के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक प्रिंसिपल देता हूं, आप सुने मेरी बात तो सुने, आप हसन की बात कर रहे हैं भाई, आप हसन बात सुने। रुको 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 मेरे भाई, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। जब तक आप रुके हैं मैं एक बात कर लूं, इमाम साहब से ये बात करना चाह रहा था कि इमाम साहब ने जो बहुत सारी बातें की हैं, ये आधी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते। एक छोटी मिसाल देता हूँ, इन्होंने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था औरतों को कि अगर मैं जायज समझता सजदा तो मैं औरतों को कहता कि मर्दों को सजदा करें, लेकिन वो पूरी हदीस ऐसे नहीं है। पूरी हदीस का अगर आप मफहूम समझें तो आपको पता चलेगा। तो ये तो उन्होंने एक ऐसी बात की थी कि यानी कि मर्द एक अच्छे लोग हैं, ऐसी ये नहीं है कि उनकी कोई डिजायर थी कि वो चाहते थे कि मर्दों को सजदा करें। औरतों को परसेक्यूट करना, उनके हुकूक को दबाना कोई मुसलमानों से सीखे और औरतें भाई उन्होंने ही कहा है पहले छोड़ना चाहिए। इमाम साहब उन्होंने ही कहा है कि माँ की पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के पैरों के नीचे नहीं है, माँ के पैरों के नीचे है। माँ औरत है और वो भी एक औरत है, ठीक है? कैसा फजाइल दिया है। एक और हदीस है कि तुम में से कोई अच्छा शख्स वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। एक और हदीस है कि सबसे पहले हक माँ का है, एक दो तीन बार ही कहा कि माँ का हक तुम पे सबसे ज्यादा है। हदीस अगर अपने अकीदे के खिलाफ जाए तो उसको सही मान लेना, और जो कोई अपने अपने जाए तो हसन सही है। सर आप हदीस बोल रहे ना, आप हदीस बोल रहे कुरान में औरतों को मानना जायज है, कुरान में औरतों को मानना जायज है, तो ये सबसे मुस्तफा हदीस गलत है।
वो सब हदीस कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कुरान में, जबकि कुरान में लिखा हुआ है औरतों को मारो, अगर मोहम्मद बोल रहे हैं कि कुरान में औरतों को मारना जाए और औरतों को मारना, चलें 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 इसी पे बात कर लेते हैं, औरतों को मारना जायज है, बताएं उस आयत का मतलब पूरा क्या है, वो औरतें कौन सी औरतें हैं, कौन सी औरतें हैं वो, एक खराब औरतें हैं, बदचलन औरत की बात हो रही है, उसके अलावा भी बदचलन के बाद वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप डरते हैं, आप एक मर्द होके डरते हैं कि अगर आपकी औरत आपकी बीवी डिसओबे करे आपको, डिसओबे और वो भी नहीं, नहीं, यू फियर और डिसओबीडियंस, तब आप मार सकते हैं, आप गलत हैं, let me read the words for you, let me, I'll prove you inshallah, okay. Men are in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in absence what Allah have them guarded. Ab ye iska matlab aapko pata hai, iska kya matlab hai ki they guard something in the absence what Allah have them guarded. Do you know what that means? Yes sir, I got what you want to. No, that means chastity. They guard their chastity because अगर आप जाएं chapter 33 verse 20 आप जी हाँ तो ये बात हो रही है, ये बात हो रही है चार चार बीवी अभी बात और तो को पागल करना है, one second मुझे sister को करने दे, ये sister को answer करने दे, तो कह रहे हैं so righteous women are devoutly obedient, guarding in absence what Allah have them, well Allah would have them guarded, meaning their chastity, but those from whom you fear arrogance, advise them. Arrogance of what? They are not guarding their chastity. Advise them. Forsake them in bed and strike them. Or strike them ka idhar Rasool Pak Sallallahu Alaihi Wasallam iski tafsil ki hai. Ye aapko main hadith ka reference de deta hu. Wo hadith mein Rasool Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne bataya hai ki na unko there shouldn't be any mark nor injury. Jo beating hogi, neither mark neither injury. Aur hadith ka number main aapko मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा, वो सही हदीस है, उसका मतलब है कि आप कैसी ऐसी इंजरी होगी, वो कौन सी मार होगी मेरी बहन जिसमें ना इंजरी हो ना मार्क हो, आपको पता है औरत की बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है, तो सर अगर कोई अगर नहीं, पहले बात ये ट्रू नहीं, अगर कोई लड़की अपनी चास्टिटी खो देती है या नहीं करती, वो नहीं ओबे करती है, तो उसको मानना जायज है? नहीं नहीं, वो सिंबॉलिक है. No, वो सिंबॉलिक है मेरी बहन. This is a कैसे सिंबॉलिक है? मानना कैसे सिंबॉलिक है? No, no, I tell you why. I tell you how it's symbolic. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है. Yes, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है that beating meaning neither injury nor mark. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक औरत को हल्का सा थप्पड़ भी मारे ना, उसके मार्क पड़ जाता है बॉडी के ऊपर, हाथ के ऊपर. तो अगर आप ये स्किन के ऊपर डिपेंड भी करता है, अगर किसी का थिक स्किन हुआ तो नहीं मरता है उतना जल्दी, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप एक औरत को मार सकते हैं और उसके बॉडी में दाग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. मारने बुखारी की 5/25 अगर आप एक औरत को ना ऐसे नॉर्मली लात मारे तो उससे भी उसको दाग नहीं पहुंचेगा, तब भी आप वो औरत को अब्यूज कर ले, मार दे. एक औरत के ऊपर थूकना वो भी अब्यूसिव है, वो भी एक इंसल्ट है, तो मार कोई भी तरीके से, दाग पड़े या ना पड़े या कुछ भी हो, वो एक अब्यूसिव, वो एक औरत को नीचे दिखाना हो. ये कुरान ये नहीं कह रहा कि यू आर अलाउड टू अब्यूज हर, थूक तो एक अब्यूज है, इधर हो रही है स्ट्राइक की बात हो रही है, स्ट्राइक, यू कैन स्ट्राइक देम. हां तो सर उसको बड़ा अब्यूज है, ये थूकने से बड़ा अब्यूज है ये. नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्राइक है ना, जैसे वैसे है कि जैसे कि आपका दोस्त है, आप उसको समझा रहे हैं, वो बहुत एक जोश में है, गुस्से में है, आप समझा रहे हैं, वो मान नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा आपकी बात, आप हल्का सा उसके मुंह पर हल्का सा थप्पड़ मारते हैं टू वेक हिम अप, एंड सडनली दैट पर्सन वेक हिम अप, दैट्स सिंबॉलिक, इज नॉट टू हर्म, नॉट टू हर्ट और हार्म, सो दिस इज ऑल सिंबॉलिक. रसूल पाक ने साफ साफ कह दिया है नो मार्क नो इंजरी. मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी है, मैंने एक बार उनका कलाई पकड़ी, मैंने कहा वाइफ कम, मैंने उसको कहा नीता लेट्स गो, मैंने उसका कलाई पकड़ी, तो उसकी कलाई पे मार्क पड़ गया, उसकी कलाई पे मार्क पड़ा, हालांकि इवन आई वाज जस्ट टेलिंग हर लेट्स गो. तो औरत की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है मेरी बहन, आप जो कह रही है कि आपको मारे हैं तो मार्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है. एक मिनट सर, आपकी बीवी की स्किन सॉफ्ट थी, काफी अच्छा बात है, आई डोंट केयर अबाउट इट. एक लड़की अगर वो पकड़ लीजिए कपड़े पहन के, ठीक है, वो नाइटी पहन के सलवार पहन के, आप उसको लात लात मारे कपड़े के ऊपर से, क्या दाग आएगा?
देर इज नो गारंटी कि दाग नहीं आएगा. अगर दाग आ गया तो मैं कुरान अगर ये अगर नहीं अगर नहीं अगर मैं बट व्हाट व्हाट आई एम रिस्किंग इज यू कैन हिट अ नो देयर इज अ लॉट ऑफ वे यू कैन हिट अ वुमन विदाउट हैविंग एनी मार्क. देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क. और पहला पहले बार आपने बोला कि अगर नहीं अब मुझे जवाब देने दीजिए. आपने बोला मैंने सुना ना तो आप बोले कि अगर मेरे दोस्त नहीं समझते मैं उसको हल्के से मारूंगी. पहला बात मैं उसके ऊपर हाथ ही नहीं उठाऊंगी क्योंकि वो गलत है. जी बात कंप्लीट करें अपनी. देखें पहले तो बुखारी में हदीस है कि इकरमा जो है वो रिवायत करते हैं कि रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो उनकी बीवी ने अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से शादी करी और आयशा कहती हैं कि उनको इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उनके कपड़ों पे हरे नील थे जो उनके कपड़ों से ज़्यादा हरे थे और वो मोहम्मद के पास आके कहती हैं कि मैंने किसी भी मोमिन औरत का इससे बुरा हश्र आज तक नहीं देखा. और जब उनके शोहर को पता चलता है कि मेरी बीवी जो हैं इनके पास गई हैं मोहम्मद के पास तो अपने दोनों बच्चों को लेकर जाते हैं जो उनकी पिछली बीवी से होते हैं और वो कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी ये मुझसे ये जो है मैंने इसे इसलिए मारा है क्योंकि अपने पिछले शोहर के पास जाना चाहती है. और उनकी बीवी कहती है कि ए नबी ये जो हैं ये नामर्द हैं इसलिए मैं अपने पुराने शोहर के पास जाना चाहती हूँ. तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम मैं तो इसे ऐसे रगड़ता हूँ जैसे कोई चमड़े को रगड़ता है यानी मर्दाना ताकत में अच्छा हूँ. और उसके बाद मोहम्मद कहते हैं कि तुम अपने पुराने शोहर के पास तब तक नहीं जा सकती जब तक ये तुम्हें अच्छे से ना चख लें. और ये बच्चे जो हैं तुम्हारे उस शख्स से पूछते हैं ये दोनों तो कहता है हाँ. तो कहते हैं कि ये तो तुम में ऐसे मिल रहे हैं जैसे एक कौआ दूसरे कौए से मिलता है यानी तुम्हारी ही औलाद है तुम नामर्द नहीं हो. अब इतना बुरा मारने पर भी मोहम्मद ने कोई सज़ा नहीं ली. इब्ने कसीर में आता है ये जो मारने की आयत थी ये तब उतरी थी कि जब एक आदमी ने अपनी बीवी को ऐसे थप्पड़ मारा था कि उसके गाल पे उंगलियां छप गई थी तो मोहम्मद ने सोचा गुस्से में मैं सज़ा दूँ उस आदमी को तो ये आयत उतर गई थी कि औरत को जो मार सकते हो